आज वाराणसी में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो कि वाराणसी के दक्षिण छोर पर स्थित विश्व सुंदरी पुल के सटे गंगा तट पर जल यात्रा तकरीबन 10 बजे से निकाली। जल यात्रा एक विशाल शोभा यात्रा के साथ ही यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर बता दें कि हर सेवानंद पब्लिक स्कूल के आगे बढ़ते बीवी ब्रांड चौक पहुँच कर शिनापुर रोड होते बीवी मंगलवानपुर डाको मार्ग पहुँच कर ड्रामा सेंटर होते हुए भी सामने घाट त्रिमुखारण पहुँच कर सामने गंगा गढ़वा घाट मार्ग से होते हुए भी यज्ञ स्थल के उत्तरी छोर पर पहुंचे, जहां पर सभी कलशों को गंगा जल से पूरित करके यज्ञ मंडल में स्थापित किया गया। प्राइम बेकरी उषानी की रोहित सेठ वाराणसी। चंद्रभान से हम लल्लू बिहारी है, मैं इस जगह का उपकोषाध्यक्ष। यात्रा को लेकर भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? यात्रा इतना हमारे भक्तों में इस यज्ञ को लेकर के इतना उत्साह है कि लोग अंदर से इतना प्रफुल्लित है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बाकी सब लोग अपने हर ढंग से इस यज्ञ को सफल बनाने में पूर्णतः सहयोग एकदम अग्रसर हैं। इसी के महायज्ञ समिति का मीडिया प्रभारी और मेरे साथ भाई लल्लू बिहारी जी हैं आयोजन समिति के। आज क्या आयोजन है? आज हम लोग इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की विशाल शोभा यात्रा और जल यात्रा लेकर के प्रस्थान करेंगे। थोड़ी देर में जल यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हम लोगों ने 25 घोड़े जिस पर हमारे युवा ब्रह्मचारी संत सवार रहेंगे धर्म ध्वजा लिए हुए, उसके पीछे रथों की एक कतार होगी। 11 रथ हैं जिसपे देश विदेश से आए हुए संतजन बैठेंगे। इसके बाद महिलाएं मंगल कलश लिए हुए माथे पर पैदल चलेंगी और इसके बाद दोपहिया और चार पहिया वाहनों में जो भी बिहार उत्तर प्रदेश और तमाम प्रांतों से आए हुए भक्त जो हैं वो श्रीमद नारायण का धूम गाते हुए और इस जल यात्रा में शरीक होंगे। जल यात्रा को जितना अधिक भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारी समिति ने प्रयास किया है और हमें जनता का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और हम लोगों की ये कोशिश है कि ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति के द्वारा प्रस्तावित आज की हमारी जल यात्रा और शोभा यात्रा एक प्रतिमान कायम करें। मैं जनार्दन सांडिल श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति का मीडिया प्रभारी और मेरे साथ खड़े हैं श्री लल्लू बिहारी जी, यज्ञ समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आज हम लोगों की ये जो जल यात्रा है विशाल शोभा यात्रा के साथ अगले एक घंटे में प्रस्थान करेगी। जल यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हम लोगों ने आयोजन समिति ने जो इंतजाम किए हैं उसके अनुसार 11 रथ जिन पर हमारे देश विदेश से आए हुए संतजन सवार रहेंगे, सबसे अगली पंक्ति में 25 घोड़ों पर सवार हमारे युवा ब्रह्मचारी संत धर्म ध्वजा लिए हुए आगे आगे चलेंगे। इसके बाद रथों की कतार होगी, इसके बाद महिलाएं मंगल कलश लेकर के पैदल दो लाइनों में कतार में चलेंगी और श्रीमन नारायण का धुन लगातार गाते हुए, इसके बाद दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर सवार भक्तजन वो भी श्रीमन नारायण का धुन गाते हुए चलेंगे। जलिया